इंडिया न्यूज 24 आवर। नई दिल्ली यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय NIC पर भगवा रंग के बाद अब योगी राज में उत्तर प्रदेश हज कार्यालय का रंग भी भगवा हो गया है। लखनऊ में यूपी हज समिति की दीवारें शुक्रवार को भगवा रंग में रंगी दिखी। खबरों के मुताबिक अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की तरफ से हज हाउस में भगवा पेंट कराया गया है। इससे पहले इन दीवारों पर सफेद और हरा रंग था। यूपी हज हाउस की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कई उलेमाओं और विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब राज्य सरकार ने किसी सरकारी महकमे का भगवाकरण किया हो। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहले गाड़ियों में सीटों पर भगवा रंग के तौलिए, स्टेज पर भगवा रंग के कालीन, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कमरों में भगवा रंग के पर्दे और यहां तक कि सरकारी बस भी भगवा रंग में रंगी गई। आज जब यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुसन रजा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर किसी भी तरह का विवाद खड़ा करने की बातों को खारिज किया। मंत्री जी ने कहा कि भगवा रंग ऊर्जा का प्रतीक है। यह भी पढ़ें, योगी इफेक्ट, यूपी में फैशन बना भगवा पहनावा। मोहसिन रजा ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, इसमें किसी भी तरह के विवाद का सवाल ही नहीं उठता है। भगवा रंग ऊर्जा और उज्ज्वलता को दर्शाता है। बिल्डिंग खूबसूरत दिख रही है। विपक्षी दलों के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इस वह बेवजह के मुद्दों को उठाते हैं। देयर इज नो नीड फॉर कंट्रोवर्सी इन सच थिंग्स। सैफ्रन इज एन एनर्जेटिक एंड ब्राइट लुकिंग कलर। द बिल्डिंग लुक्स ब्यूटीफुल। Opposition has no big issues against us, so they raise inconsequential things. Mohsin Raza, up minister on Hajj House painted saffron pic. Twitter.pishwool4wvaniup@innews. January 5, 2018. आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने CM ऑफिस NIC पर भगवा रंग पुतवाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में रखे गए तौलिये भगवा रंग के हैं, साथ ही वहां लगे पर्दे भी हल्के केसरिया रंग के हैं। यह भी पढ़ें, अब मुख्यमंत्री योगी का कार्यालय भी भगवाधारी। हाल में मुख्यमंत्री ने भगवा रंग से रंगी 50 बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाई थी। यहां तक कि इस मौके के लिए सजाए गए मंच पर भी केसरिया पर्दे और गुब्बारे लगाए गए थे। इसके अलावा राज्य के प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को केसरिया रंग के बैग दिए गए थे। साथ ही सरकार के 100 दिन तथा 6 माह पूरे होने पर प्रकाशित पुस्तिकाएं भी भगवा रंग की थी।